साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज जो है NIOS में मजमून लिखने के लिए जो आते हैं 10वीं 12वीं में और CBSE में, उनमें से एक मजमून ईद उल फितर है जो अक्सर आता है, 6th क्लास से 12वीं क्लास तक आता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कैसे लिखना है। आप ईद उल फितर लिखेंगे ऊपर बड़ा, और फिर लिखेंगे ईद उल फितर मुसलमानों का बड़ा अहम और खुशियों भरा त्यौहार। इस त्यौहार पर हर मुसलमान को खुशी इसलिए हो जाती ज़्यादा होती है कि रमज़ान शरीफ के पूरे महीने रोज़े रखने, रात को ईशा की नमाज के अलावा 20 रकात नमाज तरावी पढ़ने और पाबंदी से इबादत करने के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ईद के दिन हर मुसलमान मर्द औरत बच्चे और बड़े सब ईद की नमाज अदा करने से पहले सुबह सवेरे गुसल करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, फितरा अदा करते हैं जो गरीबों और मिस्किनों को दिया जाता है। ये मुकर्रा मकदार में अनाज या उसकी कीमत की शक्ल में अदा किया जाता है। ईद के दिन आम तौर पर शहर से बाहर बनी ईदगाह में पढ़ी जाती है। अगर शहर बड़ा हो जैसे दिल्ली, तो फिर बड़ी शहर की बड़ी बड़ी मस्जिदों में भी ये नमाज अदा की जाती है। ईद की नमाज को दो गाना कहते हैं। इस नमाज की रकातें तो सिर्फ दो होती हैं, लेकिन इसमें 6 तकबीर जायद 3 पहली रकात में और 3 दूसरी रकात में पड़ी जाती है। इस नमाज का मंजर भी नहायत खूबसूरत और पुर असर होता है, जिसमें हज़ार हाँ मुसलमान सब बनाकर पेशे के पीछे खामोश और पुरसकून हाथ बांधे खड़े और इमाम साहब की तकबीर कहने पर ही रुकू या सजदे करते हैं और एक साथ हाथ उठाकर खुदा से अपने गुनाहों से माफ़ी और फलाह और तरक्की लिए दुआएं मांगते हैं। नमाज के बाद हर मुसलमान अपने अजीज़ और दोस्तों के साथियों से गले मिलता है और ईद की मुबारकबाद देता है। बहुत से मुसलमान नमाज पढ़कर घर जाने से पहले कब्रिस्तान भी जाते हैं और वहाँ अपने मुर्दों के लिए मगफरत की दुआ करते हैं। ईद के दिन मुसलमान अपने अजीज़ों के घर भी जाते हैं और उन्हें शीरीनी मिठाई पेश और उस दिन बच्चे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रंग बिरंगे खास तरह तरह की खुशनुमा कपड़े पहनते हैं, अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से ईदी की पेश वसूली करते हैं, खिलौने खरीदते हैं, जी भर के चाट और मिठाइयाँ खाते हैं, झोले झपाटे और खुशियाँ मनाते हैं। ईद उल फितर का ये खुशियों 3 दिन तक जारी रहती है। ईद का त्यौहार हमें खुदा के अहकाम पर चलने का सबक देता है और सच्ची खुशी का एहसास दिलाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। शुक्रिया।